तो सम पॉइंट लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो लिखो इन पीवी ग्राफ, स्टार मार्क कर करके पॉइंट लिखो, इन पीवी ग्राफ, स्टार मार्क कर करके लिखो, इन पीवी ग्राफ, इन पीवी ग्राफ व्हेन एवर, इन पीवी ग्राफ व्हेन एवर वी मूव, व्हेन एवर वी मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, व्हेन एवर वी मूव इन क्लॉकवाइज सेंस, व्हेन एवर वी मूव इन क्लॉकवाइज सेंस देन वर्क डन इज पॉजिटिव, देन वर्क डन पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज सेंस, एंड एंटी क्लॉकवाइज सेंस देन वर्क डन नेगेटिव, देन वर्क डन नेगेटिव। ठीक है ना? लेकिन ये तो पीवी ग्राफ के लिए हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अगर मान लो कहीं पे वीपी ग्राफ दे दिया, तो पहले वी दे दिया वाई एक्सिस पे और फिर दे दिया क्या चीज है पी दे दिया, तो लिखेंगे इन वीपी ग्राफ, इन वीपी ग्राफ नेक्स्ट पॉइंट, इन वीपी ग्राफ व्हेन एवर वी मूव इन वी, वी वी फॉर वॉल्यूम, वीपी ग्राफ, इन वीपी ग्राफ, इन वीपी ग्राफ, इन वीपी ग्राफ वी मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वी मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वी मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन वर्क डन इज नेगेटिव, देन वर्क डन इज नेगेटिव एंड मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन then work done is positive, then work done is positive, then work done is positive। और ये पॉइंट बना के लिखवा दिया था क्या, एरिया अंडर द पीवी ग्राफ गिव द वर्क डन, लिखवा दिया था क्या? तो लिखिए फाइंड द वर्क डन फॉर द गिवन प्रोसेस, फाइंड द वर्क डन for the given process, find the work done for the given process, find the work done for the given process, find the work done for the given process। यहाँ पे v not दिया हुआ है, यहाँ पे 2 v not दिया हुआ है, और ये v versus p का ग्राफ है, और यहाँ पे p 2 p not दिया हुआ है, और इधर क्या दिया हुआ है P नॉट दिया हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका हमको वर्क डन निकालना है, फटाफट निकालिए, बनाइए कॉपी में, निकालिए। क्या होगा वर्क डन, कोई बता सकता है क्या? थोड़ा सा गर्मी ज्यादा है इसलिए मेरे को थोड़ा सा इधर खड़ा होना पड़ रहा है। पहले बना लीजिए फोटो, फटाफट बनाइए, सॉल्व कीजिए। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो वर्क डन हमें कुछ नहीं दिया है, ऐसे भी ये मान लेंगे ए है, बी है, सी है और डी है, और क्या दिया ऐसे है, मतलब मान लीजिए ना इस तरह से प्रोसेस है। तो एरिया कैसे निकालेंगे इसका, तो एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए ये लेंथ कितना हो गया, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, वी नॉट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, पी टू पी नॉट में से पी नॉट घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका अच्छा क्लॉक वाइज है तो पी नॉट इन टू में क्या आना चाहिए, वी नॉट आना चाहिए आंसर कि नहीं आना चाहिए। अच्छा यही एंटी क्लॉक वाइज होता तो फिर कैसा आता, जल्दी करिए फटाफट, आ गया क्या, कुछ गलतियां हुई है क्या? चलिए नेक्स्ट करिए, ठीक है ना? और कहीं पर दिक्कत है क्या बताइए,
ऐसे भी सॉल्व करना होगा ना वो उस तरीके से कि ए से बी तक में वर्क डन कितना हुआ, ऐसे ऐसे भी सॉल्व करके देख लो। अगर किसी को लगता है तो ए से बी तक पहले वर्क डन किसका निकालो, ए से बी का निकालो, क्या समझ में आया कि नहीं आया। फिर किसका निकालो, वर्क डन बी से सी का, फिर वर्क डन सी से डी का, फिर वर्क डन डी से ए का, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बोलो ए से बी तक में वर्क डन सीधा सीधा जा रहा है तो जीरो, कुछ नहीं, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो क्या हो गया वर्क डन। कल बताया था ना कि वर्क डन जीरो हो जाता है जिसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। बी से सी तक में, तो बी से सी तक में मतलब इसका एरिया पूरा निकालना पड़ेगा। बोलो बी से सी तक में एरिया कैसे निकालोगे, कोई बता सकता है क्या मेरे को, बोलिए। बी से सी तक में पूरा नीचे तक का एरिया बोलिए ना जल्दी से क्या होगा। टू पी नॉट इन टू में ये वाला लेंथ बताइए, ये वाला लेंथ कितना हो गया टू पी नॉट, और ये वाला लेंथ बताइए कितना हो गया, ठीक है ना। और एक्सपेंशन हो रहा है इसलिए पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद वर्क डन यहां वाला बोलिए जल्दी से, सी से डी तक में जीरो, फिर बोलिए वर्क डन डी से ए, डी से ए में ये लेंथ बताइए कितना होगा, तो पी नॉट ही होगा। तो अच्छा कंप्रेशन की एक्सपेंशन, तो इसका मतलब माइनस लगा दे सीधा हम लोग, माइनस पी नॉट इन टू में यहां से यहां तक का लेंथ बताइए वी नॉट, तो आ गया कितना इससे आंसर, इससे भी वही आया कि नहीं आया, P नॉट इन टू वी नॉट, डायरेक्ट भी आंसर वही आया था, यहाँ से भी वही आया है। जल्दी जल्दी कीजिए फटाफट। समझ में आ रहा है कि नहीं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और आप जैसे मर्जी हो ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और देते हैं तब समझ में आएगा आपको। और दें, अब है वीपी ग्राफ है, कैसा ग्राफ है बच्चा, वीपी ग्राफ, और इसके अंदर में आपको बताना है। अरे जल्दी जल्दी बनाइए, ये वाला क्वेश्चन लिख लीजिए, इसके बाद इसको करेंगे, ठीक है। ये है पी नॉट, ये है टू पी नॉट, ये है वी नॉट, ये है टू वी नॉट, और ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, हुआ कि नहीं हुआ। अब बताइए ये कैसा ग्राफ है, पी वी ग्राफ है या वी पी ग्राफ है। वी पी ग्राफ में क्लॉकवाइज पे क्या मिलता है, नेगेटिव नहीं मिलता है ना, तो इसका मतलब अब देखिए कुछ नहीं निकालिए, इसका एरिया निकाल लीजिए आंसर आ जाएगा। तो कैसे एरिया निकालेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 2p नॉट में से p नॉट घटा देंगे तो ये वाला लेंथ कितना आ जाएगा p नॉट। अच्छा ब्रेथ कितना है बताइए ना, ये वाला कितना आ जाएगा v नॉट। तो वर्क डन सीधा लिख देता हूं मैं, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, सीधा सीधा बोलो p नॉट इनटू v नॉट, माइनस में क्यों, क्योंकि हम लोगों ने वीपी ग्राफ है और वीपी ग्राफ जो होता है हमेशा क्या देता है बताइए ना, नेगेटिव वर्क डन देता है क्लॉकवाइज में। हो गया, अच्छा था ये, जल्दी जल्दी कीजिए फटाफट, उसके बाद और दे रहे क्वेश्चन। नहीं आया, जल्दी लिखिए, बहुत टाइम लगा रहा है, पता नहीं खाना वाना खा करके आए हैं इसीलिए बासी लग रहा है ना। अच्छा देखिए सुनिए, एक चीज बता देते हैं, अगर इस तरह का शेप हो ठीक है ना,
किस तरह का शेप हो, इस तरह का शेप हो और इसका रेडियस अगर इधर से ए है और इधर से अगर बी है तो इसका एरिया पूछेगा ना, तो पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, पाई ए बी होगा। याद रहेगा क्या ये बात? अरे ये रहेगा याद क्या? ओह माय गॉड। तो अभी हम दे रहे हैं क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए फटाफट। ये है आपके पास में क्वेश्चन है जिसके अंदर में आपको क्या करना है कि पहले तो चेक करना है कि कौन सा ग्राफ है, पी वर्सेस वी ग्राफ है या किसका ग्राफ है। किसका ग्राफ दिख रहा है आप लोगों को? पी वर्सेस बी का ग्राफ दिख रहा है। इस तरह से क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है। अब इसके अंदर में भी क्या दिया हुआ है समझिए, क्या दिया हुआ है इसके अंदर में? इसके अंदर में दिया हुआ है कुछ चीजें कि यहाँ वाला जो वैल्यू है ना, ये दिया हुआ है और यहाँ की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ की भी वैल्यू दिया हुआ है और फिर कहाँ का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ की वैल्यू दिया हुआ है। सुनिए एक तरफ से समझने की कोशिश कीजिए, ये वाली जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है V1, ये वाला वैल्यू दिया हुआ है V2, ये वाला वैल्यू दिया हुआ है P1 और ये वैल्यू दिया हुआ है P2। तो आपको करना क्या है, आपको निकालना है कि वर्क डन निकालना है, जल्दी निकालिए, टाइम बहुत कम है, 45 मिनट बस, 30 मिनट बचा हुआ अपने पास, तो जितना फास्ट कीजिएगा उतना जल्दी अपना कंप्लीट होगा। जिंदगी मौत का दीवाना हो गया है। एक कहावत है ना कि हमने किसी को दूर नहीं किया, दिल भरता गया लोग दूर होते गए। नहीं आया समझ में? समझदार लोग समझ में आते हैं, एकदम सही है। चलिए आइए, क्या होगा सुनिए, इसका रेडियस पता चल जाए तो काम चल जाए, ये वाला रेडियस पता चल जाए तो काम चल जाएगा। तो देखिए ना, ये वाला वैल्यू कितना है, तो ये वाला वैल्यू जो है ये V2 - V1 तो है, ये वाला वैल्यू V2 में से V1 को घटा देंगे कि नहीं घटा देंगे? अच्छा, ये वाली वैल्यू कितना है अपने पास में बोलिए? P2 - P1 है। ये भी बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन इसका अब V2 - V1 का हाफ ही तो ये देगा। अगर मेरे से पूछा जाए कि पूरे के पूरे लेंथ V2 - V1 है तो इसका हाफ क्या होगा, इसका लेंथ हो जाएगा कि नहीं, रेडियस हो जाएगा कि नहीं? तो इसका मतलब हम पाई इंटू में ए के जगह पे क्या लिखेंगे, V2 - V1 / 2, और बी के जगह पे क्या लिखने वाले हैं बोलिए, P2 - P1 / 2, और इसी को प्यार से हम लोग क्या लिखेंगे, π/4 V2 - V1, और इधर क्या लिखेंगे, P2 - P1। आया समझ में? आ गया समझ में? जल्दी करो बच्चा, क्या कर रहे हो, कॉपी बंद कर रहे हो क्यों भाई, कॉपी क्यों बंद कर दिया तुमने? चलिए हो गया, कुछ कुछ समझ में आया, चलिए आइए। जिसको नहीं समझ में आया है वो कल क्लास नहीं आए थे तो अपना जाइएगा घर, घर पे जाकर करके क्या कीजिएगा कि रिवाइज कर लीजिएगा। अब कहिए कहाँ से रिवाइज करेंगे, तो ऑनलाइन डाल दिए हुए हैं, जल्दी से इसका सॉल्व कीजिए, वर्क डन बताइए इसका, वर्क डन बताइए। क्या है, नहीं कर रहा है भैया, जल्दी जल्दी करो ना, क्या है नहीं हो रहा है भैया। V2 - V1 × P2 - P1। हाँ भैया जी, आप क्यों नहीं कर रहे हैं, जल्दी कीजिए ना।
जल्दी लिखिए इसका आंसर। एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना आएगा इसका बोलिए। वेरी गुड, तो लिखिए ना v2 - v1, और ब्रेथ कितना होगा, वेरी गुड, तो मल्टीप्लाई कीजिए उसको बीच में, हाँ तब कीजिए ब्रैकेट में लिख करके, लिखिए पाई होगा रे, पाई क्यों होगा भाई, पाई किसका एरिया होता है, पाई हो गया ना। आ जाए नेक्स्ट करें, नेक्स्ट हमारे पास में है एक और क्वेश्चन है, तो इसको भी कर ही लेते हैं, छोड़ने से क्या फायदा है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, पी वर्सेस वी ग्राफ है और इस तरह से है, ठीक है, यहाँ ए है बी है और सी है। अच्छा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ध्यान में रख करके करना तुम लोग, समझा कि नहीं समझा, अरे समझा कि नहीं समझा, ये है वी वन, ये है वी टू, ये वाला पोर्शन पे पी वन और ये वाले पोर्शन पे कितना है पी टू, तो बताना है आपको, जल्दी से बताइए तो देखते हैं। हाँ एकदम सही, एरिया ऑफ ट्रेंगल लिख देना है, 1/2 पी टू माइनस पी वन इंटू वी टू माइनस वी वन, एकदम सही है, जल्दी जल्दी कर। अरे हो गया कि नहीं हो गया, अरे हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना, तो यहाँ तक अगर हो गया तो क्या अब आगे बढ़ा जाए। अच्छा कभी कभी किसी तरह से, जैसे ये तो ऐसा दे दिया, लेकिन ऐसा दे दे तो कैसे करोगे सॉल्व, हमें बस जस्ट इमेजिन करके बताओ, या सॉल्व भी करके बताओ ना, इमेजिन क्या करोगे तुम, ऐसे दे दिया है, समझ में आ रहा तुम लोग को कैसे दे दिया है, और ये वाला पॉइंट को बोला कि पी वन है और इधर वाले पॉइंट को क्या बोला वी वन, इधर वाले पॉइंट को क्या बोला पी टू है और इधर वाले पॉइंट को क्या बोला बोलो ना, ये थोड़ा सा सही से लिखा नहीं पा रहा, वी टू है और ऐसे प्रोसेस है ए से बी प्रोसेस पे है, ठीक है ना बच्चा, तो बोलता है कि अब बताओ जल्दी से बताओ तो क्या होगा इसका, ये पी टू है बच्चा, अब ये तो आपको बताना है ना, हम कैसे बताएं, ये पी टू है, जल्दी से बताइए कैसे सॉल्व करेंगे, हमें आंसर चाहिए, आप कैसे निकालिएगा हमें नहीं पता, बस हमें तो आंसर चाहिए, निकालिए बहुत अच्छा है, अगर कर सकते तो करिए, बहुत अच्छा लगेगा कि आपने कर दिया, मेरे को भी खुशी होगा, क्या क्या आया, ट्रायंगल का एरिया और एक रेक्टेंगल का एरिया प्लस का, तो इसमें कॉमन नहीं ले सकते, जो कॉमन आने वाला है तो वी टू माइनस वी वन कॉमन लो, फिर बताओ क्या आ रहा है वैल्यू, 1/2 p2 - p1 + p1, उसको और सॉल्व करो ना, p1 खत्म होगा ना उससे, 1/2 p2 - p1 × p2/2 ना, और ये कट जाएगा, कैसे कट जाएगा भाई, सॉल्व करो उसको सही से, हाँ ठीक कर रहे हो, बस इसको सॉल्व करो ना यार, दिमाग से थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाई। अच्छा तुम लोग ट्रेपिज्म जानते हो है, अरे एक नाम सुने ट्रेपिज्म, नाम ही नहीं सुने, ये अगर ऐसे सही से बनाओगे ना तो ये ट्रेपिज्म बन जाएंगे, ट्रेपिज्म का एरिया ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ट्रेपिज्म का एरिया क्या कहता है पता है, सम ऑफ द पैरेलल प्लेट एरिया इज इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे
सम ऑफ द पैरेलल साइड, मतलब पैरेलल साइड का सम। तो पैरेलल साइड देखो, एक साइड यहाँ है और एक साइड यहाँ है, तो पैरेलल साइड कितना हो गया, पी वन प्लस पी टू, वन बाई टू में, वन बाई टू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट, तो यानी कि वी टू माइनस वी वन। आप अब अलग अलग भी सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा। आप सही से सॉल्व करके के देखो, मैं आपके आपके जैसा, तो आप सोच रहे हैं कि मेरे वाला सर जैसे हुआ वैसे सॉल्व कर दीजिए, तो वैसे सॉल्व कर देते हैं। देखिए ऊपर वाला का एरिया बताइए, इसका एरिया वन बाई टू पी टू माइनस पी वन, पी टू माइनस पी वन, और क्या हो जाएगा, यहाँ का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वी टू माइनस वी वन, और प्लस में नीचे वाला का एरिया, यानी कि नीचे वाला का एरिया क्या जाएगा, पी वन इंटू में वी टू माइनस वी वन, आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा कि नहीं। यहाँ से हम लोग कॉमन ले देते हैं वी टू माइनस वी वन, वी टू माइनस वी वन जैसे ही कॉमन ले लेंगे, इधर बच जाएगा पी टू बाई टू, दिख रहा है तुम लोगों को, पी टू बाई टू, और माइनस में पी वन बाई टू, दिखा तुम लोगों को। अरे सबको अलग अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, और इधर बोलो क्या हो जाएगा, इधर बच जाएगा प्लस में पी वन, जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी टू माइनस वी वन, और इधर क्या बच जाएगा, पी टू बाई टू और प्लस में पी वन बाई टू, कॉमन ले लो वन बाई टू को बाहर निकाल लो, तो क्या वी टू माइनस वी वन, और इधर क्या आ जाएगा, पी टू प्लस पी वन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यही तो आया ना आंसर। तो सीधी सी बात है, ट्रेपिज्म दिख रहा है, तो ट्रेपिज्म की तरह हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। समझ में आया कि नहीं। यहाँ तक में हम लोगों ने अभी तक थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में, याद रखिएगा, अभी तक थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में हम लोगों ने थ्री वेरिएबल और थ्री मतलब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। एक तो हीट के बारे में डिस्कस किया, दूसरा हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कस किया, इंटरनल इनर्जी के बारे में डिस्कस किया, और थर्ड हम लोगों ने डिस्कस किया है वर्क डन के बारे में। अब क्या होगा कि थर्मोडायनेमिक्स का लॉ आएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे तब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालेंगे, तो इन सारे फार्मूले याद होना जरूरी है। दो तीन फार्मूले हैं जो याद करना है, इसमें मैक्सिमम कितने, तीन फार्मूले होंगे। एक इंटरनल एनर्जी का फार्मूला था, वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में था। दूसरा फार्मूला हीट के लिए था, एम एस डेल्टा टी भी याद होना चाहिए, एक और था सी वी में भी था, तो वो सारी चीज़ें। उसके बाद में हम लोगों ने वर्क डन के लिए एक ही फार्मूला अभी तक पढ़े, क्या नाम था वर्क डन का, कि पी इंटू में पी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब क्या है कि पहले हम लोग, इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको कंप्लीट करने से पहले हम लोग जूल्स लॉ और हीट का मतलब कि एक रिलेशन होता है तो वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिए फटाफट, रिलेशन बिटवीन वर्क एंड हीट, रिलेशन बिटवीन वर्क एंड हीट। एक बार इसको कंप्लीट कर लेंगे, रिलेशन बिटवीन वर्क एंड हीट, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत सारे बनते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए। क्या बोलते हैं, तो लिखिए रिलेशन बिटवीन वर्क एंड हीट, रिलेशन बिटवीन वर्क एंड हीट, हो गया क्या, लिखेंगे the amount of heat produced is directly proportional to bolu kya, directly proportional to mechanical work done। The amount of heat produced is directly proportional to the amount of mechanical work done। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी हीट प्रोड्यूस होगा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे, बोलो ना, किसके बराबर होंगे,
वर्क डन के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे बच्चा? वर्क डन के। या मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोलूंगा, हीट बोलूंगा कि नहीं? जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं दोनों, मतलब कि है बस एक क्या होता तरीके से, क्या होता है, आप देखो इससे भी हम लोग लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू डब्लू बाई जे लिख दो, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का 1/j आया है। लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इस वाले से थोड़ा सा लिखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं, जे और एच आ जाता है। जे को हम लोग बोलते हैं जूल्स के कांस्टेंट, तो बताएंगे अभी। तो वर्क डन और बटा में हीट इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे लिए, बोलिए ना, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं? जे इज नॉट, लिख लेना यहाँ पे, जे इज मैकेनिकल इक्वेलेंट ऑफ हीट। जे जो है वो क्या है, मैकेनिकल इक्वेलेंट ऑफ हीट है। जे इज मैकेनिकल इक्वेलेंट ऑफ हीट एंड इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इट इज अ कन्वर्जन फैक्टर, इट इज कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन वर्क एंड हीट, कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन वर्क एंड हीट। हो गया क्या? लिखो नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ जे, जे की वैल्यू होती है 4.186 जूल पर कैलोरी, या इसी को कभी कभी 4.2 जूल पर कैलोरी भी बोल देते हैं। तो लिख लेना 4.2 जूल पर कैलोरी। हो गया क्या? हो गया तो बोलो, आगे बोलेंगे, सॉरी आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखना, व्हेन डब्लू मतलब समझता है क्या? हाँ, व्हेन डब्लू एंड एच बोथ आर एक्सप्रेस इन जूल, अगर दोनों के दोनों का सेम यूनिट हो जाए जूल, तो जे की वैल्यू 1 हो जाती है, देन जे इज इक्वल टू वन। देखो इसका फेमस चीज़ें कहाँ है, थोड़ा सा लगता है कि गलत खाना जो है ना, हम लोग ज़्यादा खा लिए हैं इसलिए थोड़ा सा हमें भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट कोई ना, पढ़ेंगे अभी क्योंकि कंप्लीट भी कराना है। तो एप्लीकेशन ऑफ अच्छा इसी को रिलेशन बिटवीन, अच्छा ये सब लिखवा दिए क्या, रिलेशन बिटवीन वर्क एंड हीट इज कॉल्ड जूल्स लॉ, नहीं कहा लिखवाए थे तो लिख लेना एबव, अच्छा एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ लिख लो ना, ऊपर हेडिंग डाल दो ना जूल्स लॉ, सबसे ऊपर हेडिंग डाल दो जूल्स लॉ, जहाँ ये लिखवाए थे ना रिलेशन बिटवीन वर्क एंड हीट, वो छूट गया था, रिलेशन बिटवीन वर्क एंड हीट वहीं पे डाल दो ना जूल्स लॉ, और लिखो एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ। नेक्स्ट लिखो एप्लीकेशंस ऑफ जूल्स लॉ। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि आइस का क्यूब हम कितने हाइट से गिराएंगे, आइस m ग्राम आइस है आपके पास में, उसको कितने हाइट से गिराएंगे कि टोटल आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता है? छत के ऊपर से आइस का क्यूब गिराइएगा तो कुछ आइस बच जाएगा या पूरे के पूरे पिघल जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा? तो लिखे फर्स्ट पॉइंट इसी के अंदर में, एप्लीकेशन के अंदर में, द हाइट फ्रॉम विच
द हाइट फ्रॉम विच आइस इज टू बी द हाइट फ्रॉम विच आइस इज टू बी क्या हो जाएगा बोलो मेल्टेड कंप्लीटली टू बी मेल्टेड कंप्लीटली मेल्टेड रे कंप्लीटली काहे ने लिख रहा है टू बी मेल्टेड कंप्लीटली मतलब क्या हुआ कि कितने के हाइट से गिराएंगे किसी आइस के क्यूब को तो वो टोटली क्या हो जाए किसमें बोलिए किसमें हो जाए अब बताइए आप सोच के बताइए आइस को हम लोग देखिए एक आइस का क्यूब है मान लीजिए ना एम ग्राम का ये क्या है बताइए आइस है उपको उसको हम किसी एच हाइट तक गिराएंगे कितने हाइट तक गिराएंगे एच हाइट तक तो ये पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर में बोलिए वाटर के अंदर में ऐसे ही तो बोला उसने तो जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे गिरता है तो उसके पास में कौन सा एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी होता है एम जी एच के बराबर होगा कि नहीं होगा अच्छा आइस जब आइस से आपको याद है पहले क्लास में लेते थे आइस से जीरो डिग्री आइस से लेकर करके हमको पहुंचना है 0 डिग्री वाटर पे पहले तो वाटर पे पहुंचते थे ना तो इसके अंदर में क्या होता था फेज चेंज हो रहा है इसका मतलब फार्मूला कौन सा वाला लगता था याद है डेल्टा क्यू के लिए याद है क्या एम इंटू एल एफ लैटेंट हीट ऑफ आइस अरे और एल वी अगर वो किस में बदल जाए वेपर में बदल जाए तो इसका मतलब जो एनर्जी इसके पास में है वही हीट एनर्जी भी उसके पास में होगा तभी तो जाकर करके होगा जितना एनर्जी ऊपर से नीचे गिरने में कितना एम जी एच एनर्जी लगा अरे पूरा आंख लाल हो गया है कि ठीक है दर्द कर रहा है क्या एम जी एच एनर्जी पूरा का पूरा जितना लगेगा ये एम जी एच किसके बराबर है मैकेनिकल इक्विवेलेंट के बराबर है और ये किसके बराबर है हीट के बराबर है नहीं समझ में आया क्या तो जूल्स ने क्या बोला था जूल्स ने एक लॉ बोला था कि वर्क अपॉन में किसको पुट करने के लिए हीट को पुट करने के लिए तो वर्क कितना हो गया एम जी एच और हीट कितना हो गया एम इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिख लो ये एल एफ लिख दो या मतलब लैटेंट हीट लिख दो आप आइस दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर में क्या एम से एम कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं जे इंटू एल बाई में जी इज इक्वल टू हाइट तो हाइट निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा तो फर्स्ट एप्लीकेशन समझ में आया क्या इसका जल्दी से लिखिए फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन करेंगे एल क्या है यहाँ पे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ऐसे ठीक है ना लेकिन लैटेंट हीट ऑफ आइस लिख लीजिए आपको एग्जाम में दिया रहेगा तो आप समझिए जाइएगा एक काम करेगा थोड़ा सा उस वाले रूम में से एक चेयर उठा के लाएगा क्या चाबी खुला हुआ है वो उठाना ना चेयर ले आना फिर मैं बैठ करके सारा लिखवा देता हूँ ना बिकॉज थोड़ा सा पैर थक जा रहे हैं हम यहाँ पे एल एफ लिख देना लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज होता है तो एल एफ लिख देना इस फॉर्मूला में यहाँ पे भी क्या हो जाएगा और याद है एल एफ की वैल्यू कितना होती थी 80 कुछ याद है क्या कोई बात नहीं 80 होता था एक का होता था 540 सब पढ़ा रखे है ना तो आइए नहीं है क्या उधर चेयर नेक्स्ट करें अब सोचो कि किसी एच हाइट से वाटर को गिराते हैं पानी को गिराते हैं तो क्या उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा या घटेगा या नहीं कुछ होगा एप्लीकेशन नंबर टू लिखो एप्लीकेशन नंबर टू में लिखना कि द राइज रेज कहीं नहीं है क्या बोले नहीं दे रहे हैं क्या होगा है हाँ हाँ
ऑफिस में का ले जाओ भाई साहब, चेयर भी नहीं दे रहा, क्या बोल रहा है कि चेयर नहीं ले जाना है। नेक्स्ट लिखो, द राइज इन टेम्परेचर, छोड़ो जाने दो सब पागल लोग हैं। द राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, द राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, द राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर व्हेन इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट एच, फॉल्स फ्रॉम अ हाइट एच टू द ग्राउंड, टू द ग्राउंड, टू द ग्राउंड, टू द ग्राउंड, मतलब समझो पानी है तेरे पास में कहीं पे, ठीक है ना, ऊपर कितने एच, एच हाइट पे है। अब आइस के जगह पे क्या है अपने पास में, बोलो वाटर है, वाटर है एच हाइट पे, यहाँ से गिरना चालू हुआ, समझ में आ रहा है तुम लोगों को। ये वाटर गिर कर करके जब यहाँ आएगा तो ये कितना हीट हो गया रहेगा, यही पूछा है। तो अभी तो पढ़े हैं जूल इज इक्वल टू, सर वाटर गिरेगा तो इसका मतलब एम जी एच इसके पास में क्या होगा, एनर्जी। अच्छा बहुत भारी लेके आ रहा है फिर ये, आजा आजा मार दे पैर से मार। थैंक यू, बट चलो चलो करो तुम लोग करो। वाटर जो है एच हाइट से गिरेगा, सुनो, अब वाटर है तो वाटर के लिए हम लोग एनर्जी क्या लिखते थे याद है, पानी से पानी में जाना, पानी से वाटर टी वन टेम्परेचर पे है और वाटर टी टू टेम्परेचर पे चला जाता था, याद है क्या। तो क्या लिखते थे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, याद है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम एस डेल्टा टी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, एम से एम कट गया तो हमको तो टेम्परेचर चाहिए डेल्टा टी, राइज इन टेम्परेचर बोला है ना, डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, जी एच बटा में जे इन टू एस। एस क्या है यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट ना कि लैटेंट हीट, समझ में आया क्या, जल्दी जल्दी लिखो, लिख लो लिख लो जल्दी से फटाफट, थोड़ा सा मैं बैठ जाता हूँ, बैठ के लिखवा देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना, उसमें आ नहीं रहा होगा, मैं क्या करूँ, नहीं आ रहा हूँ, मेरा हाइट ही थोड़ा सा छोटा है। हाँ ये तो आ रहा है ना पूरा चीज़ें, दो मिनट बैठने दो फिर, क्या कि सुबह से आज पढ़ा ही रहा हूँ और लगातार ही चल रहा है अपना ताज। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी क्या होता है ना, मेहनत का फल धीरे धीरे मिलता है, तो कहीं मिल जाए भगवान की कृपा तो नहीं है, वो चलता अपने पे, तो तभी मेहनत करते रहते हैं। अब सोचिए, लिखिए अगला क्वेश्चन है, अगला मतलब कि एप्लीकेशन है, व्हेन अ बुलेट ऑफ मास एम, व्हेन अ बुलेट ऑफ मास एम, व्हेन अ बुलेट ऑफ मास एम एम मूविंग विथ अ वेलोसिटी वी, व्हेन अ बुलेट ऑफ मास एम मूविंग विथ वेलोसिटी वी वी इज ए स्टॉप स्टॉप स्टॉप्ड बाई अ टारगेट बाई अ टारगेट, ठीक है ना, बाई अ टारगेट एंड ऑल ऑफ इट्स हीट इनर्जी, एंड ऑल ऑफ इट इट हीट इनर्जी इट्स हीट इनर्जी ऑल ऑफ इट्स हीट इनर्जी लिबरेटेड लिबरेटेड is retained by bullet, then increase in temperature will be, 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 मतलब समझ में आया। कहता है कि अगर कोई बुलेट जो है किसी टारगेट को हीट कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कोई बुलेट जो है अगर टारगेट को हीट करने वाला है, यहाँ पे एक टारगेट मटेरियल होगा मान लीजिए जिसको हीट करने वाला है,
बुलेट का मास होगा m मान लेते हैं, v वेलोसिटी से चल रहा होगा, तो बुलेट के पास में कौन सा एनर्जी होगा, तो काइनेटिक एनर्जी तो होगा 1/2 mv2, यही तो होगा। अच्छा, जब बुलेट यहाँ पे जा करके इसके अंदर चला गया होगा और हीट इधर लॉस होने लगा होगा, तो ms डेल्टा टी से ही तो हीट लॉस होगा, कोई भी मटेरियल हो उससे क्या मतलब है अपने को। डेल्टा क्यू के लिए एक ही फार्मूला लिखवाया था ना, ms डेल्टा टी, क्या कि ये मटेरियल फेज चेंज तो कर ही नहीं सकता ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसका मतलब हम कहेंगे जूल्स लॉ से अभी पढ़े थे कि क्या होता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट अपॉन में हीट, ही तो कहता है जूल्स लॉ, बोलता है कि नहीं बोलता है, तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट क्या है 1/2 mv2 और अपॉन में कितना लिखेंगे एम एस डेल्टा टी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अरे क्वेश्चन बाद में, पहले एप्लीकेशन समझने की कोशिश कर रहे हो क्या तुम। यहाँ से हम लोग डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे वी स्क्वायर अपॉन में 2s into j लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। हमें तो टेम्परेचर निकालना है, जो बोलेगा वो निकाल लेंगे, हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर निकाल रहे हैं अभी, तो एप्लीकेशन समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या आप लोग, जल्दी कर लीजिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखेंगे इससे पहले क्या, अच्छा इसी में से कहेगा कि कुछ एनर्जी लॉस कर दिया उसने, क्या बोलेगा इसी के अंदर में कि कुछ एनर्जी लॉस कर दिया, तो क्या एक्स बाई 100 कर देंगे ना उसको मल्टीप्लाई, जितना परसेंट उसका एनर्जी होगा, यहाँ तो 100% हो गया था लेकिन कहेगा कि वो एक्स परसेंट ही लिबरेट किया, तो एक्स बाई 100 कर देंगे जितना आया है। आया समझ में, कुछ कुछ तो आ गया होगा, अच्छा चीज़ें है ये। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट एप्लीकेशन है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है व्हेन अ ब्लॉक ऑफ आइस ऑफ मास कैपिटल एम, फिर से बोलूँ क्या, व्हेन अ ब्लॉक ऑफ आइस मास कैपिटल एम इज ड्रैग्ड ड्रैग्ड विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी ऑन अ रफ हॉरिजेंटल सरफेस on a rough horizontal surface of a coefficient of friction mu coefficient of friction mu through a distance d कहता है कि then the mass of ice melted is mass of ice melted is समझ में आया। पहले क्वेश्चन क्या पूछ, कहा क्वेश्चन ये बोला कि एक आइस का क्यूब है, क्या है अपने पास में बच्चा कि एक आइस का क्यूब है, समझिए यहाँ पे हमारे पास में एक आइस का बहुत बड़ा क्या होगा क्यूब होगा, समझिए ये आइस का क्या है हमारे पास में एक क्यूब है। एक बंदे ने क्या किया, इसको इसका मास कितना है एम मास का है, किसी रफ सरफेस पे रखा गया है और इसका फ्रिक्शनल फ्रिक्शन जो लग रहा है उसका कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है म्यू दिया हुआ है। और इसको अब सोचिए, आप कॉमन सेंस सोचिए कि एक आइस को रोड के ऊपर में बड़ा सा आइस का स्लैब को रख दीजिए और उसको धक्के ले मारते हुए ले जाइएगा, तो क्या आइस का कुछ पार्ट जो है वो मेल्ट होगा कि नहीं होगा। हाथ पे सिंपल लगते थे मेल्ट होने लगता हो, तो खींचना चल रहा है, ड्रैग कर रहा है उसको, तो क्या और होगा कि नहीं होगा। अब सोचो जब इसको खींच रहा होगा बंदा, अरे इसको खींच रहा होगा बंदा, तो पीछे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होता है, म्यू इंटू एन के बराबर होता है कि नहीं। अगर ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा है तो कैपिटल एम जी के बराबर ही तो हो जाएगा,
तो म्यू इंटू कैपिटल एम जी इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, तो हमको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो बोलो फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स के जगह पे फ्रिक्शनल फोर्स लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे बात समझ में आया कि नहीं है? अच्छा इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी, लेकिन हम लोगों को नेगेटिव में नहीं लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो बोलिए फोर्स की, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितना है? म्यू कैपिटल एम जी इंटू में क्या लिखेंगे, कैपिटल डी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अच्छा जब इसको खींच रहे थे तो इतना वर्क किया, और अब जब खींचते खींचते में कुछ पार्ट इसका क्या हो गया, अगर नीचे गिर गया होगा कुछ पार्ट, कितना पार्ट नीचे गिर गया होगा सोच के बताओ। तो हम बोलेंगे सर डेल्टा क्यू बराबर जो पार्ट गिर गया होगा एम एस डेल्टा टी हो जाएगा उसका। अरे एम एस डेल्टा टी हो जाएगा, अरे बोलो ना क्या एम एस डेल्टा टी हो जाएगा या लैटेंट हीट लिखेंगे, क्योंकि आई से वो किस में बदल जा रहा है? क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर, मेल्टेड पार्ट पूछा है ना, तो मेल्टेड, तो फिर ये क्या लगाना पड़ेगा, एम एल एफ लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? अब जूल्स लॉ क्या बोलता है कि वर्क अपॉन में क्या कर दो, बोलो ना, हीट जो आया है वर्क कितना आया है, म्यू कैपिटल एम जी इंटू डी, हीट कितना है एम एल एफ, है कि नहीं है? क्या पूछा है, मास पूछा है, स्मॉल एम पूछा है, तो स्मॉल एम और कैपिटल एम सही से देख लेना कैसे लिखा जा रहा है, कैपिटल एम जी डी अपॉन में क्या लिखेंगे, जे इंटू एल एफ, एल एफ क्या है, लैटेंट हीट ऑफ वाटर, बोले हीट ऑफ आइस। समझ में आ रहा कैसे कैसे एप्लीकेशन हो रहा है? एप्लीकेशन देख रहे हो तुम लोग क्या? और देख रहे हो क्या? चले आगे बात करें। अरे इसी में कहेगा कि पूरे के पूरे आइस पिघल जाएगा, तो पूरे के पूरे आइस के लिए लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे, जो भी चीजें पूछेगा वो कर लेंगे ना। चलिए नेक्स्ट लिखे, व्हेन अ ब्लॉक इज ड्रैग्ड, हाँ नेक्स्ट, व्हेन अ ब्लॉक इज ड्रैग्ड, डी आर ए डबल जी ई डी, व्हेन अ ब्लॉक इज ड्रैग्ड on a rough horizontal surface, when a block is dragged on a rough horizontal surface, on a rough horizontal surface of coefficient of friction mu, then rise in temperature of the block, rise in temperature of the block, block is, अब सोचो rise in temperature of the block, तो मतलब नहीं समझा क्या? समझाता हूँ कि एक tough surface है, tough मतलब जानता है क्या, tough मतलब है कि उसको कितना भी घिस दो, कितना भी आगे पीछे कर लो, उसमें से कुछ पिघलने उगलने वाला नहीं है। नहीं समझ में आया, जैसे हाथ को इसके ऊपर में घिसोगे तो हाथ गर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो कितना गर्म हो जाएगा यही क्वेश्चन है। तो बोलिए क्या करेंगे, बताइए जल्दी से क्या करेंगे सर, हाथ को जब घिसेंगे या कोई भी रफ सरफेस पे कोई भी टफ चीज़ों को खींचेंगे जो पिघलने वाला नहीं है, तो पीछे तो अभी भी क्या लगने वाला है, फ्रिक्शनल फोर्स लगने वाला है ना। अब वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स अभी तो बताए थे कितना होता है, म्यू कैपिटल एम जी इंटू में डी डिस्टेंस पे गया होगा तो डी हो जाएगा। अच्छा उसके पास में अब कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके पास में डेल्टा क्यू किसके बराबर होता है, एम एस डेल्टा टी के बराबर होता है कि नहीं होता है? कोई नहीं आया है, आइए बैठ जाइए, तब तक थोड़ा देर में आ जाएंगे वो लोग। ठीक है डेल्टा क्यू, तो जूल्स लॉ क्या बोलता है, जूल्स लॉ बोलता है कि म्यू
कैपिटल एम जी इंटू डी, और यहाँ पे भी एम एस डेल्टा डी के अंदर में बोलता है कैपिटल एम ही लगा देते हैं ना, नहीं समझ में आया क्या? तो क्या लिख देंगे, कैपिटल एम से कैपिटल एम कट जाएगा कि नहीं? अब वो क्वेश्चन में कहेगा कि अगर आधे पार्ट उसका चला गया या जैसा कहेगा उस तरह से हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ से जो पूछेगा वो निकाल लेंगे ना, डेल्टा टी पूछेगा डेल्टा टी निकाल लेंगे। समझ में आया तो बोलिएगा खाली, नहीं तो गड़बड़ ना हो जाए। हो गया क्या, समझ में आ गया क्या? अब चलिए अगला जो है एक और है, अभी एप्लीकेशन लिखिएगा, अभी अच्छे अच्छे एप्लीकेशन है अभी तो, ऑल एप्लीकेशन लिखवा देते हैं क्योंकि आपके बाद फिर एक क्लास है मेरा, तो आज इसको एप्लीकेशन लिखवा देते हैं, कल इसके बेस पे क्वेश्चन करवा देंगे सारे बेस पे, अभी तक जितने पढ़े हैं ना उनके बेस पे क्वेश्चन करा देंगे। फिर अगले दिन में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ख़त्म करेंगे, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में वही 3-4 दिन लग जाएंगे, फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद में थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद में ख़त्म अपना काम। ठीक है, तो लिखिए अगला, अगला यूज है इसका कि इफ अ बुलेट एट अ टेम्परेचर लेस देन, इफ अ बुलेट एट अ टेम्परेचर लेस देन इट्स मेल्टिंग पॉइंट जस्ट मेल्ट when abruptly abruptly when abruptly stopped by an obstacle obstacle obstacles and if all the heat प्रोड्यूस्ड इज, आइए बैठिए तब तक, पाँच बैठ जाइए ना, 5 मिनट हो जाएंगे। ऑल द हीट प्रोड्यूस्ड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द बुलेट, प्रोड्यूस्ड ही क्या कहाँ पे ऑब्स्टेकल्स, एंड इफ ऑल द हीट प्रोड्यूस्ड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द बुलेट देन अब बताइए क्या होगा। कहता है कि एक बुलेट है, तो सोचिए बुलेट के पास में मास कितना होगा, एम मास होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और कहीं से आ रहा है बुलेट तो उसके पास में एनर्जी कितना होने वाला है, 1/2, अरे बोलो ना, 1/2 mv² होने वाला है कि नहीं होने वाला है? ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गया। अच्छा, हीट के लिए उसने क्या बोला कि टोटल हीट, टोटल में वो नहीं हो पा रहा है, उससे टोटली क्या कर रहा है कि मेल्ट नहीं हो पा रहा है, आइस टोटली मेल्ट नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आइस के पास में कौन कौन सा एनर्जी होगा, याद करो एम एस डेल्टा टी, ये भी होगा और प्लस में क्या हो जाएगा, कुछ पार्ट उसके हो जाएंगे तो एम एल एफ, दोनों लगा देंगे कि नहीं, दोनों ऐड कर देंगे कि नहीं? जूल्स लॉ क्या बोलता है, दोनों को इक्वेलेंट कर दो आंसर आ जाएगा 1/2 mv² बटा में एम एस डेल्टा टी, और प्लस में क्या लिख देंगे, एम एल लिख देंगे, जो कटने वाला काट देंगे, जो नहीं कटने वाला नहीं कटेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, हमेशा ऐसा नहीं है कि मास सेम ही रहेगा, तो थोड़ा सा समझ के, एस क्या है यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट ऑफ बुलेट, और L क्या है, जो मटेरियल पिघल रहा है, यानी कि लैटेंट हीट ऑफ मटेरियल ऑफ द बुलेट, वही बुलेट पे ही तो हो रहा है वो। डेल्टा टी क्या है यहाँ पे, रेज इन टेम्परेचर, ठीक है ना? आ जाइए नेक्स्ट, ठीक है, when a body rotating with angular speed omega,
angular speed omega is suddenly stopped. Is suddenly stopped. If it absorbs all the heat generated, if it absorbs all the heat generated, then rise in temperature of the body is rise in temperature of body is अब सोचिएगा भाई, अब ये तो खतरनाक हो जाएगा ना, कहिएगा ना सर ये तो भाई अब गजब कर दिया आपने। एक बॉडी रोटेट कर रहा है तो रोटेशनल एनर्जी लगा देंगे ना। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 I ओमेगा² लगा देंगे ना। और दूसरा तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू पता ही है MS ΔT होता है, तो J की इक्वेलेंट नहीं कर देंगे। देखिए कितना अच्छा अच्छा आपको हमने सारे एप्लीकेशन करवाया ताकि आपको कभी तकलीफ ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। हम आपको पूरा अच्छे से फॉर्मेट बना कर कर करके दे देते हैं, बट क्या है समझ रहे हैं ना आप, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ, तो आप में क्या कमियां हो रही है समझ में आ रहा है क्या, कि प्रीवियस ईयर नहीं लगा रहे? प्रीवियस ईयर लगाइएगा तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा ना। चले आगे बात करें क्या, हो गया। एक और है देखो, अ ड्रिलिंग मशीन भीतर आ जाओ, क्या दिक्कत है, देखोगे तभी तक पता चलेगा कि कैसा कैसे क्वेश्चन आते हैं आगे चल करके भी। गधेरे हो तुम लोग, पढ़ने का इच्छा ही नहीं। अ ड्रिलिंग मशीन ड्रिल अ होल, अ ड्रिलिंग मशीन ड्रिल अ होल, अ ड्रिलिंग मशीन ड्रिल अ होल टू अ मेटल प्लेट, टू अ मेटल प्लेट, टू अ मेटल प्लेट इन टाइम टी। अ ड्रिलिंग मशीन ड्रिल अ होल टू अ मेटल प्लेट इन टाइम टी, ठीक है ना। द मैकेनिक्स इज ऑब्जर्व दैट टॉर्क टी एंड एंगुलर स्पीड ओमेगा ऑफ द ड्रिलिंग मशीन, तो वही राइज इन टेम्परेचर बताओ क्या होगा। ठीक है, तो फिर से अब यहाँ पे टॉर्क के लिए एक वर्क डन का फॉर्मूला पता होना चाहिए तभी जाकर करके होगा। हीट कितना होता है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, टाऊ इंटू ओमेगा इंटू में टी अपॉन में, जल्दी से लिख लो तुम लोग भी, जे एम इंटू एस बराबर डेल्टा क्यू डेल्टा टी। टाऊ क्या है यहाँ पे, टॉर्क है। अच्छा यहाँ पे आई क्या है पता चला तुम लोगों को, मोमेंट ऑफ, वेरी गुड। यहाँ पे ओमेगा क्या है पता है ना, ये तो डब्ल्यू पता है ना, ओमेगा एंगुलर मोमेंट। अब क्वेश्चन है इसमें से जो बस चीजें आएंगे उसके अनुसार क्वेश्चन है को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फ्रेम करेंगे। अब इतने सारे हम लोगों ने एक केवल जूल्स लॉ का हम लोगों ने क्या किया है कि एप्लीकेशन है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं कि जूल्स लॉ बोलेंगे एक मटेरियल पिघल रहा है और दौड़ भी रहा है। जैसे कि मान लेते कि गोली मार दिया किसी को और वो दौड़ते भी जा रहा है तो एनर्जी लॉस होगा कि नहीं होगा, कितना हीट प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, ये सारे चीज़ें पूछा जाएगा। ड्रिलिंग मशीन में तुम ड्रिल करते हो समय देखते हैं ना कि वो ड्रिलिंग मशीन का जो आगे वाला जो पार्ट होता है वो हीट हो जाता है, तो कितना हीट हो जाएगा वही तो क्वेश्चन था। बस समझ में आ रहा है ना, तो आज की क्लासेस में थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, फील आया होगा।
ठीक है ना, थोड़ा सा मैं थक गया हूँ। थैंक यू वेरी मच, जाइए आप लोग खाली।